रहे हैं यहाँ पर? एनसीपी नेता उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने रश्मि शुक्ला को बताया बीजेपी एजेंट, खारिज किया आरोप। रणवीर ने देशमुख के आइसोलेशन में होने पर फिर से उठाए सवाल, पेश किया कई कार्यक्रमों का ब्यौरा, बोले परिवार को नहीं दी गई सही जानकारी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवदीप राणा ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा धमकी देने वाले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ हो एक्शन। परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। मनसुख हिरन केस में महाराष्ट्र एटीएस का बयान, वाजे की कार की हो रही है जांच, सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ममता राज पर अमित शाह का गंभीर आरोप, कहा भतीजा एंड कंपनी ने किया सरकारी पैसों का गबन। गाजीपुर की रैली में अमित शाह ने दिलाया भरोसा, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो जनता के पैसों की लूट का होगा पूरा हिसाब। मदनीपुर में अमित शाह ने किया रोड शो, अमित शाह के रोड शो में दिखी भारी भीड़। हाईटेक से बातचीत में अमित शाह का ममता से सवाल, दीदी सार्वजनिक करें अपनी चोट की रिपोर्ट। अमित शाह ने कहा बंगाल में सरकार बनती लागू करेंगे सीएए, बंगाल को बनाएंगे घुसपैठ मुक्त। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने प्रचार में झोंक दी अपनी ताकत, पश्चिमी मिदनापुर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी जानती थी कि मैं चुनाव में घूमूंगी तो बीजेपी हार जाएगी। पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी की भावुक अपील, कहा कि मुझे पहले भी पीटा गया, मैं टूट सकती हूं लेकिन झुक नहीं सकती। बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे ओवैसी, 27 तारीख को मुर्शिदाबाद में रैली का ऐलान। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 13 पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं ओवैसी, बढ़ सकती है ममता की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नामांकन से पहले बम धमाका, 1 साल के बच्चे की मौत, दूसरा घायल। बंगाल के आसनसोल में 80 साल की बुजुर्ग महिला से मारपीट, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। आवला में टीएमसी नेता ने 2 बेटों को घर से निकाला, अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ में हुए थे शामिल। दक्षिण 24 बरगना में टीएमसी कार्यकर्ता का घर फूंका गया, आईएसएफ उम्मीदवार अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों पर लगा आरोप। बीजेपी ने खोला चुनावी वादों का पिटारा, 10 संकल्प से विजय का प्लान, घुसपैठियों को बाहर करने और स्थानीय को नौकरी देने का किया वादा। असम की जनता से बीजेपी का वादा, बच्चों को देंगे क्वालिटी एजुकेशन, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और साइकिल देने का वादा। असम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा प्रदेश के विकास को हमने दी गति, अब बड़ी छलांग लगाने को हम तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम में तूफानी प्रचार, सिलचर बोरकोला समेत कुल 3 ट्रालियां। असम में वोटिंग से पहले बड़ी सफलता, कोकराझार जिले में भारी संख्या में हथियार बरामद। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की। विधानसभा चैंबर के बाहर हुई हाथापाई, प्रस्ताव पास कराने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे विपक्ष के विधायक। विधानसभा अध्यक्ष को चैंबर से निकालने के लिए पटना के डीएम एसएसपी को करनी पड़ी काफी मेहनत, विधायकों को निकाला सदन से बाहर। झड़प के बाद आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला, लालू यादव ने ट्वीट कर हिटलर और मुसोलिनी से की तुलना। बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक हुआ पेश, नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध, कल मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूपी के मेरठ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील। योगी सरकार के मंत्री आनंद शुक्ला ने जताया लाउडस्पीकर से अजान पर एतराज, बलिया के जिलाधिकारी को लिखा पत्र। किसानों के मुद्दे पर गुजरात विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया आंदोलन में शहीद किसानों के लिए मौन रखने की मांग। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मनाया शहीदी दिवस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला, पुलिस जवानों से भरी बस को बम से उड़ाया, 5 जवान शहीद। नारायणपुर में नक्सली हमले में घायल 2 जवानों की स्थिति बेहद गंभीर, नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। महाराज के गढ़ चिरौली में उप कमांडर समेत 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा पेट्रोल डीजल को GST में लाने के लिए चर्चा के लिए हम तैयार। नोएडा के सेक्टर 122 में मन की बात बच्चों के साथ का 23वां एपिसोड हुआ, आयोजन में 81 बच्चों ने लिया हिस्सा। गुजरात में कोरोना के 1730 नए मामले, कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत। गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 विधायक कोरोना पॉजिटिव हुए। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 3098 नए केस, 31 लोगों की मौत। कोरोना को देखते हुए मुंबई में होली पर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाई गई रोक। तमिलनाडु में कोरोना के 1437 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, पिछले 24 घंटों में 638 नए मामले, 4 की मौत। राजधानी लखनऊ में आए 232 केस। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले सभी आयोजनों पर लगाई गई रोक। 1 अप्रैल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का 4था फेज, 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब लगवा सकेंगे वैक्सीन। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन के फासले पर लोगों ने इसका स्वागत किया। यूपी के अमेठी में 106 साल की बुजुर्ग ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।